नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी आए दिन किसी न किसी मसले पर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़े ही जबरदस्त तरीके से तंज कर दिया है। साथ ही ये कहा कि नीतीश कुमार के वजह से कोई भी अधिकारी आरजेडी की बात नहीं सुनते, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो जबरदस्ती भी कुछ बोले तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी पर भी तंज किया है। साथ ही कहा है कि नीतीश के अधिकारी बस नीतीश की ही बात सुनते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के मंत्रियों की औकात नौकरों जैसी बना दी है। अफसर उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी जदयू के मुख्यमंत्री के हाथ में है, इसलिए नौकरशाही जदयू के मंत्रियों कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को महत्व ही नहीं देती। जो हालत शिक्षा विभाग की है वही सभी विभागों की है। आरजेडी कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि कोई भी अधिकारी आरजेडी की बात नहीं सुनते। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के विभाग में ऐसे अफसरों को बैठा दिए हैं जो मंत्रियों पर लगाम कस सके। आरजेडी के विधान पार्षद का यह सुझाव सही है कि नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के अवर प्रधान सचिव को ही अपना सलाहकार बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री के विश्वसनीय अफसर आरजेडी के मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जदयू के मंत्री बयान देकर अफसरों को पॉलिटिकल कवर दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आरजेडी जदयू के मंत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप से विकास के काम ठप है। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं। शिक्षा विभाग में अब या तो मंत्री चंद्रशेखर रहेंगे या वर्तमान प्रधान सचिव। मामला काफी तूल पकड़ चुका है, लेकिन दोनों दल कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। वहीं इसको लेकर आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक को ही अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर ले, जिससे कि सभी विभागों की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकेंगे, इससे बिहार के विकास में गति मिलेगी। इस मुद्दे पर आरजेडी और जदयू के बीच भी घमासान छिर गया है। यानी कि एक तौर से देखा जाए तो उन्होंने इस वक्त चल रहे शिक्षा विभाग के विवाद को लेकर बात कही है। साथ ही कहा कि जिस तरीके से के पाठक का रवैया सामने निकल कर आ रहा है, इससे तो यही महसूस होता है कि नीतीश कुमार को सारा प्रभार उन्हीं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की तो इज्जत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सुशील मोदी ने आरजेडी के तमाम मंत्रियों को भी निशाने पर लिया है और कहा कि नीतीश के अधिकारी आरजेडी के किसी भी मंत्री की बात नहीं सुनते। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस वक्त के पाठक का मुद्दा जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले पर कोई भी संज्ञान ठीक से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो उनके चहेते अधिकारी है, ऐसा बड़ा आरोप सुशील कुमार मोदी ने भी लगा दिया है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मसले पर आगे महागठबंधन के तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।